सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम चले हैं गोंदा पंचायत की ओर। निर्वर्तमान मुखिया प्रकाश अरुण जो कि इस चुनाव में महिला सीट होने के चलते मुखिया प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी वंदना सिन्हा चुनावी मैदान में है। हम उनके घर पहुंचे हैं, जानेंगे उनका राय क्या है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, इस पंचायत से आप चुनाव लड़ेंगे? आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य एक ही है मेरा, कि पहली चीज तो इस पंचायत में महिला सीट आरक्षित किया गया है। मेरा चुनाव में आने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि गांव का विकास करना। दूसरी बात, आज के डेट में महिलाओं को लोग बहुत ही पीछा समझ के रखे हैं। मैं ये उद्देश्य देना चाहती हूँ कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं। मतलब अब महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे इसके लिए चुनाव मैदान में? मैं महिलाओं पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और एक बात मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी काम में खुद को पीछे नहीं रखना चाहिए। आज के ज़माने में पुरुष के सामने महिलाएं हर क्षेत्र में आगे। कितना विकास हुआ है पंचायत में, क्या ऐसा कुछ रह गया है जो कि आप चुनाव मैदान में विकास करना चाहेंगे जीतने के बाद? पंचायत में विकास क्या हुआ नहीं हुआ तो शायद 6 वर्षों में जनता इस बात से सहमत है। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जितना काम गोंदा और लादा पंचायत में हुआ है उतना मिरान प्रखंड में किसी पंचायत में नहीं हुआ। आप चुनाव जीतने के बाद पंचायत में पहला प्राथमिकता क्या रहेगा कि आप उस काम को सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद करेंगे? पहला प्राथमिकता मेरा यही है, महिलाओं को यही उद्देश्य ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि वो लोग आज बहुत शायद 6 वर्षों में अपने घर में बहुत ये सुनने को मिला, बहुत महिलाएं आती थी बोलती थी ऐसे है वैसे, बहुत तरह का बात सुनने को मिलता था। मैं सिर्फ महिलाओं को ये चीज मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने को कम मत समझिए। आप क्या मतलब करेंगे जब चुनाव जीतिएगा उसके बाद? रोजी रोजगार के संबंध में, रोजी रोजगार या कोई वैसा काम विकास से बाकी रह गया है 6 वर्षों? पुरुषों के लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो शायद 6 वर्षों में जो मेरे हस्बैंड काम नहीं करता है, हो सकता है उस उनसे जो गलती हुई है वो काम वो उस भी करें, उनको मैं उनको भी मौका देना चाहती हूँ, चाहूँगी। आपका मतलब अपने मन से चुनावी मैदान में ही है या जनता का समर्थन प्राप्त है? जनता का भी समर्थन प्राप्त है और अपने मन से भी आएंगे। पंचायत के लिए कुछ करने का, पंचायत वासियों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? पंचायत वासियों को कम शब्दों में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे वोट करें, हाँ लेकिन एक जरूर बात कहना सबको चाहूंगी, वो लोग ऐसे उम्मीदवार को चुने जो कि शिक्षित हो पढ़ी लिखी हो, और अगर उन लोगों के लिए तो कहीं भी जाकर उन लोगों के लिए खड़ा रखकर लड़ना पड़े वो लड़ सकते। आप अपना परिचय मतलब शिक्षा दीक्षा कितना तक ग्रहण कर चुकी हैं? जी मैं ग्रेजुएशन की हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है मेरा और कंप्यूटर में सी जी प्लस टैली कैरियर एज का कोर्स की हूँ। उम्मीदवार है, धन्यवाद। इनके पति जो कि निर्वर्तमान मुखिया है प्रकाश कुमार अरुण जी से हम बात करना चाहेंगे। कितना विकास हुआ है और कितना रह गया है बाकी इसके बारे में कुछ कहेंगे? नमस्कार, मेरे पंचायत में सरकारी योजनाएँ सरकारी योजनाओं का अगर बात करके बाकी हमें थोड़ी मिस है इसकी विषय तो नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुखिया होने के नाते मैंने इस पंचायत में काफ़ी कुछ अलग से अलग हट के काम किया। जैसे इन 5.5-6 सालों में कहीं भी मिट्टी वगैरह का कोई काम नहीं आया, लेकिन मेरे पंचायत में हमने अपने पंचायत के हर रूम का मिट्टी मोड़ का काम अपने खर्चे से किया। कुछ ऐसी सड़कें थी जो बहुत ज़रूरत की थी और वो आज 50 साल से लंबी थी, उनको हमने पूरा कराया अपने खर्चे से। एकाध नाली ऐसा है जिसको
उसको सरकार के यहाँ से मतलब वो ऑनलाइन नहीं था या सिस्टम में नहीं था, इस वजह से उसको हमने अपने खर्चे को बुलवाया। हमारे यहाँ तुलसी भी मंदिर 500 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी ढलाई हमने अपने खर्चे से कराया। सामाजिक क्षेत्र में हमने बहुत कुछ काम किया है। क्या रह गया है अभी बाकी जो कि मैंने आप विकास नहीं कर पाए, मन में कसौटता है कि मतलब ऐसा कुछ काम जो रह गया बाकी इस 5 वर्ष में, मतलब चुनाव जीत करके आते हैं तो आप करेंगे? देखिए, चुनाव जीत करके जैसे ही आते हैं, हम सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे यहाँ को शमशान घाट मुद्दा वाला दोनों जगह पे शमशान घाट जाने के रास्ता थे, और शमशान घाट में सौदा अग्नि होना अनिवार्य था। इन दोनों जगहों के लिए एक एक शमशान घाट के सौदा अग्नि और एक एक सड़क, इसको मतलब प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे। तो काम मेरा छुट्टा हुआ है। रोजगार के लिए आप क्या कर उपाय कीजिएगा, आप जीत कर आइएगा कि युवा लोग बहुत बेरोजगार है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, रोजगार के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि जहाँ तक रोजगार की बात अगर हम करें तो पंचायत सरकार इतना संसाधन नहीं दे पा रही है कि हम रोजगार सृजित कर सकें। फिर भी अपने स्तर से हम चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर का काफ़ी कुछ सुधार हो, जिससे लोग रोजगार के प्रति जागरूक और रोजगार खुद से कर सकें। आपके घर में तो मैंने आपका बैकग्राउंड छवि जो मैंने शिक्षा दीक्षा को लेकर के रहा काफ़ी अच्छा रहा है, तो पंचायत वासियों के लिए आप शिक्षा के रूप में क्या मतलब करना चाहेंगे विकास? पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में हम यही चाहेंगे कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो अपने स्तर से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम अपने स्तर से लग के उनके लिए कुछ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें। बाकी जितने विद्यालय चल रहे हैं उन सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे, विद्यालय के शिक्षकों से, वो भी अपने स्तर से ज़्यादा अपना एफर्ट दें बच्चों के लिए। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड मतलब किसी पार्टी से या किसी नेता मंत्री से है या अभी सर्वदलीय है चुनाव लड़ने? ये वैसे तो हम बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हैं। हाँ, मेरा एक चीज़ है कि हम जो है बीजेपी के समर्थक हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा समर्थन क्योंकि बीजेपी का व्यवहार विचार और उनका जो कायदा कानून है वो हमारे समझ में आता है, हमको लगता है कि नहीं ये लोग साफ सभी के लोग हैं, इसलिए हम उनका समर्थन। पंचायत वासियों के लिए आखिरी मतलब आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो पहला मुद्दा क्या रहेगा, मतलब पहला विकास के रूप में क्या कीजिएगा? देखिए, पंचायत वासियों के लिए अगर हम पुनः जीत के आते हैं, जैसे इनसे 6.5 सालों में सुधार किए हैं, हम उस पर पुनः बरकरार रहेंगे। यहाँ पे बिचौलियागिरी को एकदम टोटली समाप्त करेंगे। अभी जो 2-4 बिचौलिए बचे हुए हैं उनको भी हम देखना पसंद नहीं करते हैं, और इस बार ये भी गांव छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बिचौलियागिरी को हम लोग पूरा कमांड किए हैं। और पंचायत वासियों से एक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, मेरी पत्नी मैदान में है, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी पत्नी को ही वोट दें, लेकिन 6 प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी को जाँच परख के और वोट कीजिए। जो प्रत्याशी आपकी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए तैयार है उसको वोट कीजिए, जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, जो आपकी बात आगे तक रख सके, जो आपके लिए लड़ सके, ऐसे के लिए कुछ करना चाहेंगे। चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों के लिए भी कहना चाहेंगे, और इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमको देख पा रहे हैं सबको एक ही बात कहेंगे, चुनावी दौर है, बरसाती मैडम की तरफ बहुत सारे लोग प्रत्याशी आएंगे, लेकिन ऐसे किसी प्रत्याशी को ना तो नोट पे और ना ही खाने पीने पे वोट मत कीजिएगा। हमारा सिर्फ एक ही बात करना है कि आप लोग शिक्षित और समझदार महिला हो या पुरुष, ऐसे व्यक्ति को वोट कीजिएगा जो आपकी बात को आगे तक पहुँचा सके, आगे तक।